तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो रेनो 8 प्रो, जो कि आपको 5G की कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में आफ्टर न्यू अपडेट के बाद पबजी BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में आफ्टर न्यू अपडेट के बाद गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 8100 Max का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का स्पॉट देखने के लिए मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी के साथ आपको इस डिवाइस में नॉर्मल यूसेज में आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस न्यू अपडेट के साथ हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या बैटरी की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। उसके साथ ही दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट PUBG BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस न्यू अपडेट के साथ ग्राफिक में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट 90fps ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि हमें इस डिवाइस में 90fps गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस 90fps में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। इस अपडेट के साथ ये डिवाइस 90fps को कहां तक स्टेबल कर पाता है, हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Awesome. Head toward this point. Yo le mato.
Head toward this point. एक शेख जी हैगा वो हेड टुवर्ड दिस पॉइंट एक शेख जी है और बंदे आ गए ओए उधर स्मोक आ रही उधर वॉच आउट और एक वॉच आउट